आज मैं आपको सिर्फ 20 मिनट में हलवाई जितना ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी, लेकिन बिना गाजर को घी से बिना मिक्सी में पीसे सीधे कुकर में, ना ही हम काजू बादाम डालेंगे, ना मावा, ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ 2 चम्मच घी में तैयार करेंगे। फिर भी आप देखेंगे हलवा एकदम परफेक्ट बना है, कलर बहुत ही निखर के आया है। तो हलवा बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है, अगर आप इस विधि से बनाएंगे तो बहुत तारीफ पाएंगे और पूरी सर्दी इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाना खाना पसंद करेंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो लाल गाजर। तो लाल गाजर का हलवा बनाने से कलर बहुत बढ़िया आता है और ये गाजर ज्यादा मीठे होते हैं, इसलिए चीनी भी कम लगती है और हलवा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अच्छे से मैंने गाजर को धो लिया है और अब हम इसे छील लेते हैं, नीचे का भाग और ऊपर का भाग हटा दीजिए और अब हम छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हलवा बनाते हैं तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा, कद्दूकस करने में 1 घंटा चला जाता है और हाथ भी दुखने लगते हैं और बिल्कुल हलवे का टेक्सचर हूबहू आएगा। तो नीचे का पतला भाग हमने काट लिया है और अब 2 भागों में बांट लीजिए। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी लाल है और अब इस तरीके से काट ले और ये जो ऊपरी भाग है जड़ वाला, उसका अंदर का हिस्सा हटा दीजिए क्योंकि ये कड़े होते हैं और अगर अंदर का हिस्सा नरम है तो काटने की जरूरत नहीं है। तो हम बिना कद्दूकस किए हुए गाजर का हलवा बना रहे हैं, इसलिए छोटे गाजर का भी आप ये हलवा बना सकते हैं। तो ये हलवा हम कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले कुकर में डालिए 1 बड़ा चम्मच घी, हलवा घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। फ्लेम हाई कीजिए और अब डाल दीजिए धुले कटे हुए गाजर। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को भूनेंगे। 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि गाजर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका कलर भी बदलने लगा है। तो गाजर जब काट रहे थे तब मैंने पहले ही 3 कप दूध को सुखा के 1.5 कप कर लिया था ताकि समय की बचत हो। गाजर के हलवे में ज़्यादा दूध डाल के पकाने से गाजर का कलर और स्वाद दोनों बदल जाता है, इसलिए आप ये पहले ही दूध को थोड़ा सुखा लें क्योंकि ये हलवा हम बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा, कंडेंस मिल्क का बना रहे हैं। तो एक बार में हम सारा दूध नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 कप गाढ़ा किया हुआ दूध डाल दीजिए क्योंकि ये हलवा कुकर में बना रहे हैं। ज़्यादा दूध डालने से जब प्रेशर आएगा ना तो दूध बाहर की ओर आ जाएगा। मिला लीजिए। अब हम ढक्कन लगाते हुए 2 से 3 सीटी तक पका लेते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है, चेक कर लेते हैं और अब फिर से गैस को ऑन कीजिए, चला लें और अब हम इस तरीके से चलाते हुए कलछी से मैश करते जाएंगे। फ्लेम को हाई कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जो भी गाजर से पानी अलग हुआ है वो सूख जाए। तो देखिए कितनी आसानी से मैश हो रहा है, दूध हमने गाढ़ा करके लिया था इसलिए दूध मावा की तरह दिख रहा है। मुश्किल से 1 मिनट लगा है और बहुत ही अच्छे से हलवा मैश हो रहा है। तो आप इस तरीके से पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 कप पहले दूध डाला था और जो आधा कप दूध बचाया है इसे डाल दीजिए। तो दूध के ऊपर सुखाते सुखाते जो मलाई जम जाती है उसके साथ ही डालना है। मिला लीजिए, 3 से 4 मिनट इसी तरीके से पकने दें। तो दोबारा से दूध डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाया है। हलवा बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और मैश हो चुके हैं और अब इसमें डाल दीजिए चीनी। तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 किलो गाजर में 1 कप चीनी डाल रही हूँ, यानी कि 200 ग्राम चीनी। अभी आपको हलवा हल्का रंग का दिख रहा होगा लेकिन जैसे ही चीनी डालेंगे ना, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, फिर उसके बाद जब भुनिएगा तो खुद ब खुद गाजर के हलवा का कलर गहरा हो जाएगा। मिक्स कर लीजिए। तो कुछ सेकंड में ही देखिए हलवा का कलर बदलने लगा है। बीच बीच में इसी तरीके से 1-2 बार चलाते हुए हम थोड़ा और सुखा लेते हैं। तो चीनी डालने के 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जैसे जैसे हलवा गाढ़ा हो रहा है यानी कि चीनी का पानी सूख रहा है, हलवा का रंग भी बदलने लगा है। तो अगर किनारों किनारों पे हलवा इस तरीके से चिपक जाए ना तो स्पैचुला से अलग कर लीजिएगा। तो हलवे में काजू बादाम थोड़ी से डाल देने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आज मैं बिना काजू बादाम का ही बना रही हूँ, तब भी हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। बस इस टाइम आप 15-20 दाने इच्छा हो तो किशमिश डाल सकते हैं, थोड़ी सी किशमिश डालने से स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो लगभग दूध पानी हलवे का सूख चुका है और अब हम हलवे को भूनेंगे। तो शुरू से लेके आखिर तक आपको फ्लेम हाई रखना है या फिर हाई टू मीडियम। तो हलवे का दूध पानी सूख चुका है और जब आप इस तरीके से चलाएंगे तो देखिए हलवा भुनना शुरू हो गया है।
और तला बिल्कुल साफ है। आखिरकार 2 से 3 मिनट हम हलवे को घी के साथ भूनेंगे। तो पहले हमने 1 चम्मच घी डाला था, फिर से 1 चम्मच डाल दीजिए, बिल्कुल भी ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिला लें। तो हलवा बनके तैयार है। किनारों पे जब आप देखेंगे तो आपको हल्का हल्का घी दिखने लगेगा। और मैं आपको एक बार तले से चला के दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से भुनाई हो रही है, हलवा बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। देखिए बिल्कुल आखिर में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर, मिक्स कर लें, फ्लेम बंद कर दें। तो अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट में हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। आप कलर देख सकते हैं, हलवा का टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी अच्छी से भुनाया है। तो हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए। जिसे बनाना भी आसान है और स्वाद बिल्कुल हूबहू शादी वाले हलवे जैसा ही है। तो ऊपर से मैं बस थोड़े से 1-2 पिस्ते से सजावट कर रही हूँ। तो हलवे की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।